हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, साथ ही बात करेंगे कैसे करें अप्रेंटिस। उससे भी बड़ी क्वेश्चन आप लोग के बीच ये बनता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, क्या करें, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड आपको हम जानकारी देंगे। तो आपको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि अप्रेंटिस क्या होता है। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक पास हैं, पॉलिटेक्निक पास कर लिए हैं और आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग को कॉलेज में टेक्निकल नॉलेज नहीं मिला होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला होगा, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते हैं, नहीं आपको काम करने का नॉलेज होगा। तो आप लोग को अप्रेंटिस के माध्यम से आपको ये नॉलेज मिलता है कि काम कैसे करें, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिले, इसलिए अप्रेंटिस बनाया गया। अप्रेंटिस भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसे नेशनल ट्रेनिंग NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के नाम से बताया गया है। आपको हम बता देते हैं, NATS जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम की तरफ ये चलाया जाता है। इनके लिए आप लोग को करना क्या होता है कि जिस तरह से फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसी तरह से NATS पर आप लोग को एक प्रोफाइल बनाना होता है। उस प्रोफाइल के माध्यम से आप अपना अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो हम आपको शुरू से बताते हैं कि NATS पर अपना प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, कैसे आपको अप्रेंटिस करना है, अप्रेंटिस करने में कितनी सैलरी मिलेगी, जिसे स्टाइपेंड राशि कहते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है NATS पर प्रोफाइल बनाने के लिए, वहाँ पर जाकर के आप अपना प्रोफाइल बना लेंगे। प्रोफाइल बनाने के तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा। लिंक में आप लोग को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। पेज में आप लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है आई एम क्लिक करिएगा तो आपको स्टूडेंट का आएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको जो जो स्टेप वहाँ पर दिखे वो भरते जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे इस स्टेप को भरिएगा तो आपको ऐसे फॉर्म आएगा, जैसे कि आई एम में आपको स्टूडेंट भरना है, किस राज्य से है, जैसे क्लिक करिएगा तो राज्य का नाम है, राज्य भरना है आपको, आई हैव कंप्लीट भरना है, डिप्लोमा इंजीनियर भरना है, 2019 में पास किए हैं कि 18 में कि 20 में, ये चीज़ आपको भरना है। फिर आप रेगुलर्स किए तो रेगुलर भरना है। ये सारी चीज़ें आप भरते भरते आपको एक प्रोफाइल बन जाएंगे। तो अब प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं उस चीज़ों को बता दूँ। डॉक्यूमेंट जानने से पहले मैं आपको बता दें कि ये ईयर वाला सिस्टम, इसमें बस अप्रेंटिस करने के लिए बस 3 ईयर का स्टूडेंट ही अप्रेंटिस कर पाता है। 3 साल के बाद आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने 2019 में पास किया है पॉलिटेक्निक, तो आप 2019, 2020, 2021 तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। ये बस 3 साल के लिए ही होता है और अप्रेंटिस बस 1 साल का होता है। अप्रेंटिस का जो टाइम होता है ना, वो बस 1 साल, आप 1 साल के लिए ही अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो आपको और भी हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे आप कंप्लीट करेगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगा। डॉक्यूमेंट वहाँ पर बोलेगा कि आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर डैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर केप्ट रेडी फॉर एनरोलिंग इन द पोर्टल। आप इतना डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें, फिर आप उस पर इनरोल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बना सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे आप लोग पास आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, उस पर आपको OTP जाता है, मोबाइल नंबर जाना चाहिए, उस पर भी आपको OTP जाएगा। उसके बाद आप लोग को फ़ोटो होना चाहिए जो 200 KB का होना चाहिए, बना कर रख ले 200 KB तक फ़ोटो। उसके बाद बैंक डिटेल्स चाहिए, क्योंकि आपका जो अमाउंट आएगा, अमाउंट राशि जो स्टाइपेंड राशि सैलरी जिसे बोलते हैं, वो बैंक डिटेल्स होना चाहिए। साथ ही क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक पास किया है तो उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आप इस पर 1 MB से कम बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको हो गया डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम आपको और अच्छा से जानकारी आपको हम दे देते हैं कि डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित रखें। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल जिसे औपबंधिक प्रमाण पत्र कहते हैं, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों में से कोई एक रहेगा, ये दोनों में से कोई एक तो आपको काम चल जाएंगे, दोनों रहना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिप्लोमा का फाइनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जो आपकी फाइनल मार्कशीट 6 सेमेस्टर का बनता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहेगा तो काम चल जाएंगे।
एक रिज्यूम आप अपना बनवा कर रख ले। रिज्यूम में आप एक्सपीरियंस नहीं डालेंगे, कहीं पर काम किए हैं कि नहीं ये भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अप्रेंटिस एक ऐसा चीज़ है जो आपको कार्य सिखाता है, कार्य करने की शैली सिखाएगी। अगर आप पहले से कहीं पर काम कर लिए हैं तो आपको फिर अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रेंटिस करने भी नहीं देगा। इसलिए आप रिज्यूम में आप अपना कहीं पर काम किए हैं तो काम करने के एक्सपीरियंस नहीं बताएँ। उसके बाद आप अपना बैंक पासबुक रखें, बैंक डिटेल्स उसमें भरना होता है। फ़ोटो रखें आप अपना फ़ोटो, उसके पास आईडी रखें, आईडी में आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी रख सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद आप इनरोलिंग करें, वहां पर रजिस्ट्रेशन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब बात होता है कि अप्रेंटिस कहाँ से करें, अप्रेंटिस करने का बेस्ट जगह कौन सा होगा। तो अप्रेंटिस बहुत सारे जगह से होते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जितने भी हैं उसमें भी आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और आपको अप्रेंटिस करवाया जाता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। तो आप इन दोनों का कॉलेज में जो इंटरव्यू सॉरी अप्रेंटिस होता है, वो अप्रेंटिस करने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप इनरोलमेंट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी पर कॉल लेटर आता है। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको करना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में करना है, वहाँ से आपको कॉल आएगा, कॉल लेटर आएगा आपके प्रोफाइल पर। उस प्रोफाइल को आपको चेक करते रहना है 3-4 दिन के अंतराल पर। जब आईडी आपका तैयार हो जाएगा तो 3-4 दिन के अंतराल पर आप चेक करते रहेंगे। आप चेक करने पर आपको कॉल लेटर आता है तो आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो ही जाएंगे, बस आपको जाना है वहाँ पर। जाने के बाद 90% सिलेक्शन हो ही जाता है, तो आप वहाँ पर जाएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से करेंगे या बीटेक कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से करेंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर आप डिप्लोमा पास कैंडिडेट हैं तो आपको सैलरी 10,000 रुपया मिलेंगे। ये पहले मिलता था जिस टाइम में हम कर रहे थे, ठीक है, यानी कि 2019 में हमने किया है, तो उस टाइम में 10,000 रुपया लग रहे थे डिप्लोमा पास, सॉरी 10,000 रुपया आपको मिलेगा छात्रवृत्ति के रूप में प्रति मंथ, 10,000 रुपया प्रति मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट को 10,000 रुपया प्रति महीने पर मंथ आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आप बीटेक पास हैं तो आपको 15,000 रुपया सैलरी के रूप में मिलता है, ठीक है। तो आप ये आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। इतना अमाउंट जो बहुत बड़ी अमाउंट है स्टाइपेंड राशि अप्रेंटिस के लिए, बस ये कॉलेज के ड्यूरिंग मिलता है। बाकी आप जो अप्रेंटिस है वो IOCL से भी कर सकते हैं, DRDO भी करवाता है, ONGC भी करवाता है। उसके बाद आप लोग NTPC से भी कर सकते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड है वहाँ से भी कर सकते हैं, सेल से भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से मन हो वहाँ से करें, भेल से भी कर सकते हैं। सबका अप्रेंटिस कराने का तरीका अलग है। जैसे IOCL का ले लेते हैं, IOCL क्या करवाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एग्ज़ाम लेकर के फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फिर करवाते हैं, उनका सैलरी थोड़ा कम होता है। तो सबका सैलरी अलग अलग है, सबका अप्रेंटिस कराने का तरीका अलग अलग है। लेकिन आसान तरीका आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग से करेंगे तो आपको आसान होंगे, वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा मिलता है। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। IOCL भी बेस्ट जगह है आपको अप्रेंटिस करने के लिए, आप वहाँ से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो आपको अप्रेंटिस कहाँ से करना है, कैसे करना है, आपको जानकारी मिल गया। अब हम बात करेंगे अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा होगा, हम आपको बता देते हैं। आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने ट्रेनिंग किया, आपको एक्सपीरियंस हुआ, 1 ईयर का मिल जाएगा। अप्रेंटिस सिर्फ 1 साल के लिए होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा जो कि आपने कॉलेज में नहीं सीखा होगा, या आपको सीखने के ड्यूरिंग आपने एब्सेंट रहा होगा तो आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। फील्ड में काम करने का नॉलेज मिल जाएगा, जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप फील्ड में कैसे काम करेंगे वो आपकी नॉलेज नहीं है, तो आपकी ये भी नॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारी आपको अप्रेंटिस करने के ड्यूरिंग मिलेंगे। तो आप पॉलिटेक्निक पास करने के बाद बैठे नहीं रहें, अप्रेंटिस करें। अप्रेंटिस करने के बाद आपको कुछ पैसे भी आ जाएंगे, पढ़ने में मन भी लगेगा और आपको टाइम भी मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। और 1 साल का अप्रेंटिस आप लोग जरूर करें, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो वीडियो देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझसे सारे क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे कि इस चैनल के माध्यम से इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी डाउट, सारी प्रॉब्लम, सारी वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, देखते रहिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन।